एक एक तो यार आज का ये हम पहला बुआ करेंगे। बुआ करने के लिए तैयार तो हो जाए। अरे यार तैयार तो हूँ, लेकिन यार तू यार एकदम ये लड़की का ड्रेस पहन के क्यों आया ऐसे चल। ये तो मेरा स्टाइल है, मुझे लड़की का ड्रेस कभी पसंद आता है क्योंकि इसमें खेलने का अच्छी मजा आता है ना, इसलिए। लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं लड़की का ड्रेस पहनूं या फिर लड़का का, या फिर आप मुझे टाट नहीं रहे हो ना? अरे यार ऐसी कोई बात नहीं, तू लड़की का ड्रेस पहनता है ना तब यार मुझे यार अपनी बहन यार मोनिका का याद आता है बस। मोनिका दीदी का क्या है? लेकिन यार हमारी मोनिका दीदी है कि नहीं? अरे यार सजर क्या ही बताओ, उसको मेरे पढ़ने के लिए यार विदेश भेजाओ, और यार कब आएगी पता होता कुछ नहीं है यार। हर फोन भी यार कभी कभार ही करती है क्योंकि यार वो स्टडी में बिजी होती है। तो यार आपको यार मोनिका दीदी का काफी याद आता होगा ना कि खेल? हाँ यार याद तो आता है, लेकिन क्या ही करे, वो यार अपना करियर बनाने में बिजी है और यार मैं इधर गेम खेलने में। तो फिर मेरे पास एकदम खतरनाक वाला आइडिया है। अरे काय का आइडिया? क्यों ना यार हम लोग मोनिका दीदी को मिलने के लिए उनके यार उधर विदेश चले जाए। अरे यार वो मुनकी नहीं है सजन। तो यार आप मोनिका दीदी को इधर क्यों नहीं बुला लेते? अरे यार सजन इसके पीछे एकदम लंबी वाली कहानी है, और यार सजन यार मैं भी नहीं चाहता कि यार मेरी बहन इधर आए। इधर यार हमारे देश में आने में प्रॉब्लम ही क्या है? अरे यार तुझे पता नहीं इसके पीछे मैंने बोला ना लंबी वाली कहानी है, और तुझे यार जब तू बड़ा हो जाएगा ना तब मैं बोलूंगा। नहीं ये जिसकी स्टोरी है क्या कल, तो फिर आज ही बताइए ना, मुझे भी सुनना है। अरे यार सिंचन अभी जिद मत कर, बाद में सुनाऊंगा तुझे किसी दिन। ओगी चल बता ना यार, तूने तो हमें भी नहीं बताया अभी तक कहानी, तू अपना यार फ्री फायर के दोस्तों को भी नहीं बताएगा क्या यार? अरे यार जिंगू यार तू भी ना यार चुप बैठ, चुपचाप बैठ अभी यार सिंचन और जिद करेगा। जिद तो मैं करूंगा, जिस भी करके मुझे यार मोनिका दीदी का कहानी सुनना है, वो यार इधर आती क्यों नहीं है? जरूर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप हमें बताती क्यों नहीं? अरे यार ये बताने वाली कहानी नहीं है। अरे सिंचन तू समझदा? अरे यार तू अपने दोस्तों को भी नहीं बताएगा क्या यार? मैं भी गेम खेलते खेलते बोर हो चुका हूँ यार, तू बता ना। अरे यार नॉक भी हो गया मैं तो यार, अब तो बता मैं मर गया। अरे यार मैं तुझे बचा ही लूंगा, तू फिकर मत कर। और वैसे भी यार सिंचन तू भी गेम में फोकस कर, बुआ करना है, तूने बोला था ना। है बुआ तो कहिया है, लेकिन यार प्लीज कल कहानी बताइए ना, कहानी सुनते सुनते बुआ करेंगे ना। अरे यार तुम लोग तो ये कुछ ज्यादा ही करने लगे, तो फिर यार सुनो ये कहानी तब की है जब यार मेरी बहन मोनिका एकदम यार स्कूल में पढ़ती थी। बिल्कुल मेरी तरह की है अंकल। अरे यार तू तो अभी बहुत छोटा है, तेरे से भी बड़ी थी यार मोनिका, लगभग यार वो 9th और 10th क्लास में पढ़ती थी। तो तब की बात है, तू यार भुआ कहते हैं अंकल। अरे यार तो बात शुरू होती है उसकी स्कूल से, यानी कि वो स्कूल में पढ़ती थी, मेरा पूरा स्टडी खत्म हो चुका था, और यार मैं घर में यार एकदम बैठा रहता था काम के सिलसिले में। मैं कभी यार कुछ ऑफिस वगैरह में जाता था लेकिन काम तो नहीं मिल रहा था। हालांकि यार मैं हमारी फैमिली गरीब ही थे, लेकिन उतना भी गरीब नहीं थे, हम मिडिल क्लास फैमिली के ही थे। तो आगे क्या हुआ? अरे तो एक दिन यार अचानक मेरी बहन यार स्कूल से रोती हुई आई, और यार मैंने पूछा क्यों रो रही है तू? मैं सोचा यार स्कूल में होमवर्क वोमवर्क नहीं किया होगी, इसलिए यार टीचर विचर ने डांट दिया, तो इसीलिए शायद रो रही होगी। और यार मैंने वो दिन ऐसे उसको छोड़ दिया, खाना वाना खा लिए, हम सो लिए, लेकिन वो मेरा सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन ऐसे क्यों है कि? अरे यार क्योंकि मैं सवेरे जा रहा था एक काम के सिलसिले में अपने घर से बहुत दूर, और यार सीधा मैं उसके बाद यार एक महीने के बाद घर आया, और जब मैं एक महीने के बाद घर आया ना तभी भी मेरी बहन यार कुछ उदास सी थी, यानी कि यार उसके चेहरे में खुशी नहीं था जो यार पहले हुआ करता था मेरी बहन के चेहरे में, यानी कि यार वो बहुत खुश रहती थी, चंचली स्वभाव की थी, लेकिन यार उसका यार अभी हाव भाव पूरी तरीके से बदल चुका था। लेकिन ऐसा क्यों हुआ था? मुनिका दीदी जरूर यार कुछ यार प्रॉब्लम में फंसी होगी ना? कल हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम ही थी वो। किसी प्रॉब्लम आपने पूछा नहीं कि अंकल? हाँ यार मैंने पूछा भी नहीं, और अगली सुबह वो फिर से स्कूल जाने के लिए रेडी हो रही थी क्योंकि यार टाइम हो रहा था, लेकिन यार जब स्कूल का बस आया तो यार वो यार कुछ उदास से लग रही थी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि वो यार स्कूल जाना ही नहीं चाहती थी। लेकिन ऐसा क्यों लगता है? मोनिका दीदी होमवर्क नहीं कर रही थी इसीलिए क्या? अरे नहीं वो क्लास में यार फर्स्ट आती थी, काफी ब्राइट स्टूडेंट थी मोनिका, लेकिन यार मेरा यार दिमाग एकदम घूम सा गया क्योंकि यार ऐसा मेरे उसका स्वभाव कभी नहीं देखा था, क्योंकि यार वो स्कूल जाने के लिए हर वक्त यार एकदम खुश रहती थी, उसके दोस्त भी थे स्कूल में, लेकिन यार तब यार उसके दोस्त का भी चेहरा यार एकदम यार उदास उदास से लग रहा था, कोई यार घर भी नहीं आता था, यानी कि यार मोनिका का दोस्त लोग भी घर नहीं आते थे, पहले तो यार हर बार वो लोग घर में ही रहते थे, और यार बहुत तंग करते थे, बहुत जोर जोर से चिल्लाते थे, मुझे यार बहुत यार अजीब सा लगता था।
लेकिन यार अभी मुझे और अजीब लगने लगा क्योंकि यार दो दिन बीत गए, चार दिन बीत गए, उसकी कोई दोस्त भी घर नहीं आ रहे थे। और यार मुझे हो ना हो यार लगने लगा कि उसका शायद यार स्कूल में अपने दोस्तों के साथ झगड़ा वगड़ा हो गया, इसलिए वो लोग नहीं बोलते हो गए। अरे तो ये थी बात। अरे यार ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक तो अपने दोस्तों के साथ होता रहता है ना, शायद वही हुआ होगा तेरी बहन के साथ भी। अरे यार मैंने भी वही सोचा था जी, लेकिन वैसा नहीं था। तू कैसे थे? हाँ तो एक दिन यार मुझे रास्ते में उसका दोस्त मिला, यानी कि मोनिका का दोस्त, और यार वो यार मोनिका बेस्ट फ्रेंड थे। तो क्या हुआ? हाँ तो यार मैं रास्ते से चल रहा था और यार मैंने उसको देख लिया, वो भी मेरी बहन जैसी थी, और मैं उसको देख लिया ऐसा और बोलने लगा यार आजकल तुम्हारा और मोनिका के बीच कुछ हुआ है क्या? और वो बोलने लगी नहीं भैया कुछ हुआ नहीं है, लेकिन यार एक बात जरूर है कि मोनिका बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और आपको पता है या फिर नहीं। और मैं सुन के एकदम हक्का बक्का रह गया क्योंकि यार मैं सोच रहा था शायद यार उसके सहेली के साथ उसका झगड़ा वगड़ा हो गया, इसीलिए उसका यार आजकल मूड अपसेट सा होता है, लेकिन यार वो बात नहीं थी, प्रॉब्लम तो कुछ और ही था। तो प्रॉब्लम क्या जाएगी कल? हाँ तो बात कुछ ऐसी थी कि स्कूल में एक लड़का था डेविड नाम का, और यार वो स्कूल का डॉन टाइप का था, और यार वो मेरी बहन को यार काफी तंग करता था, यानी कि यार बोल सकते हो ना रैकिंग, और यार वैसे ही कुछ मेरी बहन के साथ वो करता था, इसीलिए यार मेरी बहन अपसेट से अपसेट रहती थी। और यार ये सभी उसने मुझे बताया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि यार अगले दिन ही मैं यार मोनिका के साथ बोला कि मोनिका आज स्कूल बस में नहीं जाएगा, मैं तुझे स्कूल लेके जाऊंगा। और उसको भी कहीं ना कहीं पता चल गया कि वो सभी बातें मुझे पता चल चुका है, और यार वो मुझे रोकने लगी कि भैया यार आपका जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। लेकिन यार मैंने भी मोनिका को बोल दिया कि मैं जाऊंगा जैसे भी करके, और यार मैं उस लड़के के साथ बात भी करूंगा, और यार जो भी होगा मैं देख लूंगा। और वो सब बोल के मैं यार और मोनिका यार स्कूल चले गए। ये आपने बिल्कुल ठीक किया कल, उस डेविड की बच्चे को तो मजा चक्का नहीं तो चाहिए, उसके बाद आपने क्या किया कल? हाँ तो उसके बाद यार मैं मोनिका को लेकर यार उसके स्कूल में चले गया, और यार मोनिका के क्लास तक चला गया तो यार वो डेविड वहीं पर था, और यार मैं उधर ही रुक गया क्लास के बाहर, और मैं देखने लगा विंडो से कि वो क्या करता है। तो यार मैंने देखा यार वो मोनिका को यार बहुत गंदी तरीके से यार क्लास के अंदर ही चिढ़ाने लगा, और यार उधर उसके दो तीन पंटर भी थे, और यार मुझे वो देख के एकदम से गुस्सा आ गया, लेकिन मैंने खुद को कंट्रोल किया और मैं देखने लगा और ये क्या क्या करता है। उसके बाद उसने सीधा यार पीछे से मोनिका का बाल खींचने लगा, उसके बाद मैं सीधा यार स्कूल के अंदर गया, दो झापड़ मारा उस डेविड की ऐसी की तेजी कर दिया, उसके बाद सीधा उसको घसीट के लेकर गया यार एकदम क्लास के बाहर। आपने ये बिल्कुल सही किया कि कल उसके बाद हुआ क्या? अरे यार उसके बाद यार सभी के सभी स्टूडेंट जमा होने लगे, उसके दो तीन दोस्त भी थे, वो भी यार कुछ ज्यादा उछल रहे थे तो उनको भी दो दो खींच के दिया मैंने, और उसके बाद डेविड को और जोर से मारा, और उसके बाद यार उधर के प्रिंसिपल आ गए और यार मुझे पकड़ा और बोले लगे यार तुम बाहर के स्टूडेंट्स आकर यार कैसे ऐसी हरकत कर रहे हो। लेकिन यार मेरा भी एकदम उस वक्त घूम चुका था दिमाग, और मेरे यार सर के आगे डेविड को मारा। तभी एक उधर यार पीटी सर थे जो मुझे पहचानते थे कि मोनिका का भाई है बोल के, उन्होंने मुझे रोका और यार बोले लगे ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? तो यार मैंने यार सभी के सामने ऐसे ऐसे बोला कि ये लड़का यार डॉन बन के फिरता है क्लास में, और यार इसने यार मेरी बहन को मेरे आगे छेड़ा तो मैंने भी इसको छेड़ दिया। उसके बाद डेविड को रेस्ट रूम में लेकर गए और मुझे यार प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया, और उधर यार मुझे जो पहचानते थे पीटी सर वो भी थे, और उसके बाद वो लोग कहने लगी कि डेविड यार इस स्कूल का हॉनर का बेटा है, और यार उसका बाप भी इधर का बहुत बड़ा डॉन है। अरे ऐसे बोलने लगी कि वो अपने बेटे डेविड से बहुत प्यार करते हैं, और ये सब अगर पता चल गया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये सब भी बोल के यार मुझे भी एकदम डर लगा, मेरे लिए तो डर कुछ नहीं मुझे लग रहा था, हालांकि यार मैं अपने बहन के लिए सोच रहा था, और यार वैसा ही हुआ, उन्होंने पावर लगा के यार हर दो तीन लीगल चार्जेस लगा दिए, जैसे कि यार बच्चे को मारपीट वाला चार्जेस, और यार पूरा स्कूल के अंदर मारने वाला चार्जेस, हालांकि इतने सारे चार्जेस लगा दिए कि मुझे जेल तक भी जाना पड़ा। और मैंने तभी सोचा अगर मैं जेल जाऊंगा तो मेरी बहन को ये लोग बाहर और छेड़ सकते हैं, और तभी यार मेरे दिमाग में आइडिया है कि विदेश में मेरी मौसी रहती है, और यार अगर मैं मोनिका को उनके पास ही भेज दूं तो पढ़ाई करने के लिए, तब मैं एकदम यार सुकून से जेल जा पाऊंगा। और ऐसा ही करके मैंने यार मोनिका को भेज दिया विदेश, और खुद चला गया 2 साल के लिए जेल का हवा खाने के लिए।